रात को सोने के पहले पानी पीना या पीना नहीं, इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हमको रात को नींद नहीं आती बराबर, या रात को पानी पीने के लिए उठना पड़ता है, प्यास लगती है, या फिर रात को पेशाब लगती है इसलिए उठना पड़ता है, और फिर शांत नींद नहीं होती। रात को शांत नींद नहीं हुई, अच्छी नींद नहीं हुई, तो फिर दिन भर ऐसा नींद जैसा लगता है, आलसीपना आता है, स्लीपी लगता है, फ्रेश लगता नहीं है, फिर कंसंट्रेशन नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे बॉडी को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आवश्यक है, और धूप काला यदि है समर तो 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। 20,000 लोगों के ऊपर सर्वेक्षण किया अमेरिका और चीन में, और उसमें ऐसा पाया गया है कि जो लोग 6 घंटा नींद लेते हैं वो लोगों में पानी, बॉडी का पानी कम था, प्रमाण बॉडी के पानी का प्रमाण कम था, और जो लोग 8 घंटा नींद लेते उनके बॉडी में प्रमाण बराबर था। इसका मतलब यह है कि जो लोग कम नींद लेते उनके बॉडी में पानी कम रहता है। तो इसका उल्टा अर्थ ये हो गया कि आप यदि दिन भर अच्छा पानी पीते हैं, 2.5 से 3 लीटर पानी पीते, तो आपको नींद अच्छी आ जाएंगी रात को। यूजुअली क्या है कि 7 से 8 घंटा नींदना जरूरी है, मतलब एक हफ्ते में 50 घंटे नींद होना जरूरी है। एक हफ्ते में 50 घंटे, कम ज़्यादा दिन में होती है नींद, मतलब कभी 6 घंटा होगी तो कभी 8 घंटा हो जाएंगे, तो आपको 50 घंटा नींद लेना जरूरी है और अच्छी नींद लेना जरूरी है। मगर यदि आपको डायबिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मधुमेह, शुगर की बीमारी है, तो आपको बीच बीच में रात को भी उठना पड़ता है। और क्या होता है बहुत लोगों को कि एक बार 2-3 घंटे की नींद हो गई, 12-1 बजे उठ गए वो पेशाब के लिए, तो बाद में उनको नींद नहीं आती। तो फिर ऐसे लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो आपको दिन में बहुत पानी पीना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी, 4 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारी, मतलब हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, बहुत सारी पेशाब हो जाएगी, वेल हाइड्रेटेड आप रहेंगे, पानी अच्छा रहेगा शरीर में, और उससे नींद अच्छी आएंगी। और दूसरा ऐसा करना है कि कम से कम 3 घंटे पहले पानी पीना बंद करना चाहिए, या एकदम थोड़े प्रमाण में पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लिया बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप पानी जब पीते हैं, समझो 1 गिलास पानी पीते हैं, तो फिर अंदाजन 1.5-2 घंटे के बाद में आपको पेशाब आएंगे। और यदि आप अच्छा हाइड्रेटेड है, मतलब पानी अच्छा है शरीर में, और आप सोने के पहले पानी पीते हैं 1 गिलास पानी पूरा 200 ml का, तो डेफिनेटली आपको नींद में उठना ही पड़ेगा। तो फिर आपने क्या करना है, सोने के 3 घंटा पहले पानी एकदम कम, लिमिटेड पानी पीना है, थोड़ा सा, दिन में बहुत सारा पानी पियो। और यदि आप लिमिटेड पानी पियेंगे 3 घंटा पहले, तो रात को अच्छी नींद आएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, दिन भर आप पानी पीते हो तो हाइड्रेटेड रहेंगे और नींद भी अच्छी हो जाएंगी, सुबह आपको फ्रेश लगेगा। तो धूप काले में समर में 3 से 4 लीटर, ठंड काला जो है मतलब विंटर है उसमें 2.5 से 3 लीटर पानी, और उसके साथ साथ कॉफ़ी कम पीना है, और स्पेशली 4 बजे के बाद में, दोपहर को 4 के बाद में कॉफ़ी नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट सब बंद करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा फलाहार करेंगे और हरी सब्जियां खाएंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छी नींद आएगी, सेहत अच्छी रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी। और दूसरा जो है वो रात का खाना जो है वो एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि सुबह का अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एकदम राजा जैसा होना चाहिए, किंग। लंच जो है वो थोड़ा सा ठीक है, मीडियम सा, और रात का खाना तो एकदम ही कम होना चाहिए, मतलब भिखारी जैसा होना चाहिए, एक मजाक में बोला तो भिखारी जैसा होना चाहिए, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा खाना खा रहे, क्योंकि पेट यदि हल्का रहा तो रात को नींद भी अच्छी आ जाएंगी। तो यह पानी पीना कि नहीं पीना, और उसमें करना क्या है यदि आप नहीं पानी पीना कि नहीं पीना, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लोग, नहीं, सोने के पहले पानी पी लो। मगर यदि बहुत हाइड्रेटेड है, यदि आपके बॉडी में अच्छा पानी है, और सोने के पहले आप 1 गिलास पानी पियेंगे, तो रात को नींद खुलेंगी खुलेंगी। तो इसलिए सोने के पहले पानी पीने का नहीं है, और रात को शांत नींद होने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने बाकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा आप सोते हैं वहाँ आवाज़ नहीं होना चाहिए, फिर बहुत सारे लोग हैं तो कम से कम बाकी लोग आवाज़ करेंगे, एक कमरे में बहुत सारे लोग सोए हैं तो, कभी सवेरे कोई जल्दी उठ गया तो उसने कम से कम आवाज़ करना चाहिए,
जो कमरे में टीवी चल रहा है, जोर जोर से आवाज हो रही है, वहां नहीं सोना है। और स्पेशली रात को सोने के पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीजें फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप जितने एक्साइटमेंट ज्यादा ब्राइट चीजें देखते हैं, एक्साइटमेंट वाली चीजें देखते हैं, मोटिवेशनल कुछ देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो फिर रात को नींद खलास हो जाएगी। आपको आपने देखा होगा कि जब आपको नींद नहीं आती है, समझो आप 10 बजे सोते हैं रोज, और आपको 10 बजे लेट गए और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको बार बार पेशाब आएंगे। मतलब यूजुअली 10 बजे सोने के बाद में आप सीधा 5-6 बजे उठेंगे, आपको वैसे अदरवाइज पेशाब नहीं आती है। मगर यदि आपको नींद नहीं आती है और आप 12 बजे तक वैसे ही पड़े हैं, 10 से 12 समझो, तो 2 घंटे में आप 2-3 बार पेशाब को जाएंगे। उस समय ऐसा लगता है कि पेशाब लग गई है। तो ये सब सावधानियां बरते तो अच्छी नींद आएगी, जल्दी नींद आ जाएगी। रात को 8 बजे के बाद में भी समझो आप जैसा पानी पीना बंद करते, खाना नहीं खाने का है, वैसे बाकी स्टिमुलेटिंग चीज़ें वो नहीं करने की है, तो फिर डेफिनेटली अच्छी नींद आएगी। और नींद के पहले पानी नहीं पीना चाहिए, दिन भर बहुत ज़्यादा पानी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।